नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube स्टडी चैनल क्विक स्टडी किंग पर। दोस्तों, इस वीडियो में कवर करेंगे वर्ष 2021 की सितंबर और अक्टूबर महीने की करंट अफेयर को, जिसमें कई महत्वपूर्ण करंट अफेयर जैसे पर्वतारोही गीता समोता की उपलब्धियां, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अवनी लेखरा को ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाना, राजस्थान पर्यटन नीति 2020, इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड उद्घाटन, अनुभवत लेखक पुरस्कार और इन्हीं के समान कई अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि राजस्थान की आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगी। इसलिए वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए ताकि एग्जाम में कोई प्रश्न आपसे न छूटे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के किस पैरालंपिक खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसे पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, और ये भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि कृष्णा नागर और अवनी लेखरा, इन दोनों खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। दोस्तों, ध्यान रखना है, अभी हाल में ही आयोजित टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अवनी लेखरा जी ने निशानेबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीता है, और इसी के साथ ये पहली ऐसी भारतीय महिला बन गई है जिसने पैरालंपिक में एक से ज़्यादा पदक जीते हों। इनका संबंध जयपुर जिले से है। इसके अलावा कृष्णा नागर जी ने बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है और इनका संबंध जयपुर जिले से है। ये दूसरे ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता हो। तो ध्यान रखना है दोस्तों, पैरा ओलंपियन शूटर अवनी लेखरा और बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसे पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, से सम्मानित किया जाएगा। तो ये दोनों चीज़ हमें ध्यान रखनी है और इनके जिले जरूर ध्यान रखने हैं, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पर्वतारोही गीता समोता ने अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया, इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? ऑप्शन बी, सीकर जिले से। दोस्तों ध्यान रखना है, हाल ही में CISF की महिला कर्मचारी गीता समोता ने अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो, दोस्तों किलिमंजारो कौन से देश में है अफ्रीका के? ये है तंजानिया देश में है, और ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, पर चढ़कर तिरंगा फहराकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और इसी के साथ इन्होंने एक रिकॉर्ड और बनाया है। वो रिकॉर्ड क्या है? गीता समोता अफ्रीका के किलिमंजारो पर्वत पर तेजी से चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, और ध्यान रखना है इनका संबंध प्रदेश के सीकर जिले से है। तो ये तीनों फैक्ट हमें ध्यान रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में संचालित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की राज्य ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? ऑप्शन बी, अवनी लेखरा। तो ध्यान रखना है दोस्तों, राजस्थान सरकार ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा को राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम की ब्रांड एम्बेसडर मनोनीत किया है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किए गए हैं ये? ऑप्शन ए, अकील कुरैशी। आइए इनके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। ध्यान रखना है, राज्यपाल कलराज मिश्र ने न्यायमूर्ति अकील कुरैशी को राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश, और ये 38वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश होंगे, ये नंबर भी ध्यान रखना है, को शपथ दिलाई, और इन्होंने इस पद पर इंद्रजीत मोहंती की जगह ली है। इंद्रजीत मोहंती को त्रिपुरा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखना है कि किसकी जगह ली है? इंद्रजीत मोहंती की जगह। आइए आगे चलते हैं। हाल ही में राजस्थान पर्यटन विभाग ने राजस्थान पर्यटन नीति 2020 के तहत जारी की गई राजस्थान ग्रामीण पर्यटन प्रोत्साहन स्कीम, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन प्रोत्साहन स्कीम में शामिल किया गया है। तो इसमें क्या क्या शामिल किया गया है इस स्कीम में? इसका आंसर है उपयुक्त सभी, यानी कि कृषि पर्यटन, कैंपिंग साइट और गेस्ट हाउस पर्यटन, इन तीनों को राजस्थान ग्रामीण पर्यटन प्रोत्साहन स्कीम में शामिल किया गया है।
तो ध्यान रखना है दोस्तों, राजस्थान पर्यटन विभाग ने पर्यटन नीति 2020, दोस्तों ये ईयर ध्यान रखना, अभी आरएएस के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, सौर ऊर्जा नीति हाल में ही कब घोषित हुई, तो उसमें ऑप्शन थे 2016, 15, 20, तो लेटेस्ट 2019 में हुई थी। उसी प्रकार पर्यटन नीति 2020 में घोषित हुई है, तो एग्जाम में आ सकता है कि कब घोषित हुई है लेटेस्ट, तो ये 2020 में घोषित हुई है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इस नीति में मुख्यतः ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने पर फोकस किया गया है, और ग्रामीण पर्यटन प्रोत्साहन स्कीम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गेस्ट हाउस, कृषि पर्यटन इकाई, कैंपिंग साइट तथा कैरावेन पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो ये चारों पॉइंट ध्यान रखने हैं, एग्जाम में मल्टीपल चॉइस में पूछे जा सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। हाल ही में राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश की किस झील को इकोलॉजिकल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा, तो ये कौन सी झील है? ऑप्शन ए सांभर झील। दोस्तों हाल में ही सांभर झील पक्षियों की मौत के कारण बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी, तो उसी को देखते हुए इसका विकास किया जा रहा है। आगे चलते हैं। हाल ही में राजस्थान की किस महिला को एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाने का गौरव हासिल हुआ है, तो ये कौन है? ऑप्शन सी अदिति महेश्वरी। दोस्तों ध्यान रखना है, हाल ही में चित्तौड़गढ़ की मूल की 21 वर्षीय अदिति महेश्वरी को एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाने का गौरव हासिल हुआ है। और ऐसा क्यों हुआ? अदिति महेश्वरी ने यह सम्मान हाई कमिश्नर फॉर द डे प्रतियोगिता जीतकर हासिल किया है। तो नाम ध्यान रखना है, एग्जाम में आ सकता है अदिति महेश्वरी। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 9 सितंबर 2021 को प्रदेश के किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया गया है, तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये? ऑप्शन ए राष्ट्रीय राजमार्ग 925। तो ध्यान रखना है दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 9 सितंबर को राजस्थान के बाड़मेर में, ध्यान रखना दोस्तों ये राजस्थान के बाड़मेर में है, बाड़मेर जिले में गांधव बखासर खंड के राष्ट्रीय राजमार्ग 925 पर आपात लैंडिंग फील्ड ईएलएफ का उद्घाटन किया है। बाड़मेर जिले में है ये, और ये राष्ट्रीय राजमार्ग 925 है, ये दोनों चीज ध्यान रखनी है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल में वर्ष 2020-21 के लिए 28वें मथुरादास माथुर अवार्ड की घोषणा की गई, इसमें सीनियर वर्ग में किसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो सीनियर वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? ऑप्शन ए रवि बिश्नोई। तो दोस्तों ध्यान रखना है, हाल ही में ये 28वें मथुरादास माथुर अवार्ड की घोषणा की गई है, इसमें सीनियर वर्ग में तो रवि बिश्नोई और जूनियर वर्ग में अमन सिंह शेखावत सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुने गए हैं, तो ये दोनों नाम ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए डीबीटी बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है, इस बोर्ड के चेयरमैन होंगे, तो इस बोर्ड के चेयरमैन कौन होंगे? ऑप्शन बी मुख्य सचिव। दोस्तों ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में सीएसएस की विभिन्न विभागों द्वारा संचालित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से संबंधित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन के लिए डीबीटी सलाहकार बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है, और इस बोर्ड के चेयरमैन मुख्य सचिव यानी कि वर्तमान में कौन है? ये निरंजन आर्य ये होंगे, और मुख्य सचिव के अलावा इस बोर्ड में कुल 11 सदस्य होंगे, तो ये दोनों फैक्ट ध्यान रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 28 सितंबर 2021 को राजस्थान के किस व्यक्ति को विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये कौन है? ऑप्शन सी श्याम सुंदर जानी। तो इसमें ध्यान रखना है कि 28 सितंबर 2021 को राजस्थान के प्रोफेसर श्याम सुंदर जानी को भूमि संरक्षण हेतु विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से नवाजा गया है, और इनका संबंध राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से है, और वर्तमान में बीकानेर जिले के डूंगरपुर कॉलेज में
प्रोफेसर हैं। अगला प्रश्न है, 18 अक्टूबर 2021 को प्रदेश के किस व्यक्ति को वर्ष 2020 का राष्ट्रीय अनुबद्ध लेखक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये कौन है? ऑप्शन ए फारूक अफरीदी। दोस्तों ध्यान रखना है, देश के प्रतिष्ठित व्यंगकार, कवि, पत्रकार व राजस्थान के मुख्यमंत्री के विशेषाधिकारी फारूक अफरीदी को अनुब्रत विश्व भारती सोसाइटी नई दिल्ली का वर्ष 2020 का राष्ट्रीय अनुब्रत लेखक पुरस्कार घोषित किया गया है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी CMII द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान राजस्थान का? ऑप्शन बी द्वितीय स्थान। तो ध्यान रखना है दोस्तों, ये रिपोर्ट है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान का समग्र बेरोजगारी के मामले में दूसरे स्थान पर है और इस सूची में हरियाणा राज्य है वो बेरोजगारी के मामले में प्रथम स्थान पर है। तो ये फैक्ट ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस व्यक्ति का नाम वर्ष 2020-22 के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो ये कौन व्यक्ति है? ऑप्शन बी सुधीर लुणावत। तो ध्यान रखना है, इसमें देश विदेश के विभिन्न तरह के सिक्के और करेंसी नोटों के संग्रह और संरक्षण के लिए ये इस कार्य के लिए इनको ये रिकॉर्ड में शामिल किया गया है के लिए मशहूर सुधीर लुणावत का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है और इनका संबंध प्रदेश के बीकानेर जिले से है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की विश्वविख्यात संस्था T4 एजुकेशन के द्वारा विश्व के टॉप 100 स्कूलों की सूची जारी की गई है, इन स्कूलों में प्रदेश के किस जिले के स्कूल को चुना गया है? तो ये कौन सा जिला है? ऑप्शन सी उदयपुर जिला। तो ध्यान रखना है दोस्तों, हाल ही में इंग्लैंड की विश्वविख्यात संस्था T4 एजुकेशन के द्वारा विश्व के टॉप 100 स्कूलों की सूची जारी की गई और इस सूची में देश के 6 स्कूलों को शामिल किया गया है जिसमें राजस्थान से एकमात्र कोटड़ा के मांडवा स्कूल, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है दोस्तों यहां से, क्योंकि पूरे भारत में 6 स्कूल हैं और राजस्थान में मात्र एक स्कूल है जिसके टॉप 100 विश्व के टॉप 100 स्कूलों की सूची में जिसमें शामिल किया गया है, इस सूची में इसको शामिल किया गया है कोटड़ा के मांडवा स्कूल को, तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में थार रेगिस्तान के संरक्षण हेतु डेजर्ट इकोसिस्टम नॉलेज ग्रिड तैयार करने के लिए किस संस्थान ने डिजाइंस नामक पहल शुरू की है? तो किस संस्थान ने की है ये पहल? ऑप्शन बी IIT जोधपुर। दोस्तों ध्यान रखना है, हाल ही में IIT जोधपुर ने डेजर्ट इकोसिस्टम साइंस गाइडेड बाई नेचर एंड सेलेक्शन यानी कि डिजाइन के रूप में एक अद्भुत पहल की है। इसका उद्देश्य थार रेगिस्तान के संरक्षण के साथ ही इसमें हो रहे हास को कम करना है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, यहां से याद रखना है इसे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में कितने करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है? तो कितने करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है? ऑप्शन बी 2000 करोड़ रुपए। तो ध्यान रखना है दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की घोषणा 24 फरवरी 2021 को वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में की गई थी और इस योजना के तहत किसान की मृत्यु या अन्य कृषि गतिविधियों के दौरान 50,000 से 2,00,000 तक वित्तीय सहायता इसमें प्रदान की जाती है। इस योजना का बजट सरकार ने 2000 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। तो ये बजट ध्यान रखना है और ये राशि ध्यान रखनी है कि 50,000 से 2,00,000 रुपये तक की राशि इसमें दी जाएगी सहायता के रूप में और 24 फरवरी 2021 को यानी कि बजट 2021-22 के बजट की में इसकी घोषणा की गई थी। सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मेडिकल डिवाइस व फार्मा से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के पहले मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो ये किस जिले में की जाएगी? ऑप्शन सी जोधपुर जिले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश में पहली बार व विश्व में तीसरी बार किस शहर में ल्यूसिस्टिक कॉमन किंगफिशर एक पक्षी है को देखा गया है? तो कहां देखा गया है? ऑप्शन ए उदयपुर में। ध्यान रखना है दोस्तों, उदयपुर जिले के थूर गांव में दुर्लभ ल्यूसिस्टिक कॉमन किंगफिशर को देखा गया है।
एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये। आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सबसे अधिक आवास प्रदेश के किस जिले में बनाए जाएंगे? तो प्रदेश के किस जिले में बनाए जाएंगे? ऑप्शन ए उदयपुर। दोस्तों ध्यान रखना है, इस वर्ष प्रदेश में सर्वाधिक 33,000 से अधिक आवास उदयपुर में और जबकि सबसे कम भरतपुर में 337 मकान बनाए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सर्वे में देश के 75 सर्वश्रेष्ठ थानों में राजस्थान के कितने थानों को शामिल किया गया है? तो राजस्थान के कितने थानों को शामिल किया गया है? ऑप्शन सी 3 थानों को। दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बहुत ज्यादा, तो इसमें कौन कौन से थाने हैं ये ध्यान रखने। अजमेर जिले का किशनगढ़ सिटी थाना, दूसरा है जोधपुर शहर का राजीव गांधी नगर थाना और तीसरा है गंगानगर जिले का जैतसर थाना। ये तीनों थाने इस बार 75 सर्वश्रेष्ठ थानों में जो देश के हैं उसमें शामिल किए गए हैं। आइए आगे चलते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राइट टू हेल्थ कानून लाए जाने की घोषणा की है? तो ये कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए राजस्थान राज्य है। अगला प्रश्न है, 1 अक्टूबर 2021 में राजस्थान के किस अभयारण्य में वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डेजर्ट इको सिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है? तो ये किस अभयारण्य में किया गया है? ऑप्शन बी ताल छापर अभयारण्य चुरू में। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के किस खिलाड़ी को फिट इंडिया मूवमेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो ये कौन से खिलाड़ी हैं? ऑप्शन ए प्रेम प्रकाश मीना। अगला प्रश्न है, राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन रिडको के गठन के लिए राज्य व केंद्र सरकार की हिस्सेदारी का अनुपात कितना प्रतिशत होगा? तो ये हिस्सेदारी का अनुपात कितना प्रतिशत होगा? ऑप्शन बी 51:49। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, क्योंकि अनुपात थोड़ा अजीब सा है, ध्यान रखना है। आइए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, राजस्थान डायरी नामक एक ऑनलाइन श्रृंखला किस विभाग द्वारा शुरू की गई है? तो ये कौन सा विभाग है? ऑप्शन ए राजस्थान पर्यटन विभाग। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के और अन्य वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।